को गुग्गा जहरवीर की छत्र फेरी गांव भद्रौल में पहुंची। गुग्गा की फेरी हर साल गांव में पहुंचती है और हर घर तक छत्र फेरी पहुंचती है। गुग्गा जहरवीर को लेकर गांव के लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता है कि जब गुग्गा जहरवीर राजस्थान से चले थे तो वहां से कुछ लोग बाबा गुग्गा जहरवीर के साथ चले थे और चलते चलते गुग्गा जहरवीर के साथ हिमाचल पहुंचे थे और फिर बाबा की सेवा में यहीं बस गए। गुग्गा जहरवीर ने गांव सलोह में अपना स्थान लिया जहां आज बाबा का भव्य मंदिर बना है। फिर यहां से गुग्गा जहरवीर अपने भक्तों के साथ इस इलाके के कई स्थानों पर जाकर रुके। जहां जहां गुग्गा जहरवीर ने ठहराव लिया वहां गुग्गा जहरवीर की मड़ी बनी और लोग आज भी इन स्थानों पर गुग्गा जहरवीर की पूजा आराधना करते हैं। गुग्गा मार्ग से चले वहां कने जड़े चौधरी है ना यहाँ भी उठते चले ना फिर चले फिर उठते सुनिया भी चले फिर ये राजस्थान से चलता चलता इलाका हनुमानगढ़ भी राजस्थान ची पाउंदा फिर तां जाई बढ़िया ये अजमेर जमूर च बढ़िया फिर आई की पंजाब च बड़ी है रोपड़ साइड फिर नंगल आई रे आ नंगल ते उन्ने को था उन्ने ते फिर देरे आई जाए देरे ते फिर घूमदा घूमदा फिर पालनपुर आई गया चले सौगी यहाँ कर फिर एंड फिर इतों बदलोल आया जिस जितों गया माड़िया जिस बैठक बनी गई कहीं इतों आया फिर इधर उगरे होगी मेहरबान था बड़ा उन्होंने जबने होगी भी मेहरबान था फिर उगर चेला हा करना उगरे कन्नै साक्षात था ये फिर इतों आया बंडा बसाया इतों कहता उधर हेरे टप्पया तो जितों जितों गया माड़िया बनी गई। ऐसा ही गुग्गा जहरवीर धीरा गांव में भी आकर स्थान लिया था। यहाँ भी गुग्गा जहरवीर का भव्य मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर से गुग्गा जहरवीर की छत्र फेरी आसपास के गांव में पहुंचती है। छात्र के साथ बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो चलते ही हैं, वहीं बच्चों में भी गुग्गा जहरवीर के प्रति गहरी श्रद्धा है। बच्चे भी नंगे पैर छत्र के साथ गांव गांव पहुंचते हैं और गुग्गा जहरवीर के जयकारे लगाते हैं। छत्र के गांव के घरों में पहुंचने पर लोग स्वागत करते हैं और फसल का हिस्सा फल इत्यादि जहरवीर को अर्पण करते हैं। तो वहीं छत्र फेरी के साथ एक व्यक्ति जिसे वायत्री कहते हैं वह गुग्गा जहरवीर की भक्ति में भजन गाकर सुनाते हैं जिसे गुग्गा जहरवीर की बारी कहते हैं। आप भी सुनिए गुग्गा जहरवीर की बारी। कह हार हार जप जी वो राजा राम आंदी अगर राम राम लैणा सैदे आई अगर खड़ा देवी बटले वो राजा शिव शिव मन अकेला वो मैं ठाक रहने लाई अके काचला भी बाचला राजा सकिया गोयो बैना अके पूत रवो फल नहीं है कोई अगर सुनने बीजे पौंदे वो राजा पहला वो तेरे मारिया अगर सुनी या वो बैठा कहने जाई यार खिला चली। गांव में छत्र के साथ आए भक्तों पर बाबा की कृपा रहती। बाबा गुग्गा जहरवीर अपने चेलड़ू के जरिए अपनी बात अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं। महाराज
गोगा जहारवीर को इस गांव के लोग बहुत मानते हैं। गांव के लोग छत्र पहुंचते ही छत्र के साथ पूरे गांव में घूमते हैं। यहां के बुजुर्ग जो गोगा जहारवीर के साथ हिमाचल आए और फिर अलग अलग जगह बसे, जिनमें कुछ गांव भद्रोल में भी आकर बसे थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही अब यहाँ के लोग गोगा जहारवीर की सेवा में निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ लोगों में गोगा जहारवीर के प्रति गहरी आस्था है। कोई गल नहीं महाराज, सब गल्ला ठीक है, ऐसी कोई गल नहीं है।